ये 3:30 को मैं उठी थी, अभी का टाइम कितना हुआ है? देखिए अभी कुछ नहीं गिरा, ये चीज स्लाइस है मैंने लिया है, और ये है मोजरेला चीज जो हम ग्रेट करके उसके ऊपर गार्निशिंग के लिए डाल सकते हैं। तो ये चीज स्लाइस है, तो इतना सारा चाहिए। तो मैं अभी बनाऊंगी जल्दी जल्दी, मुझे अनियन और टमाटो भी कट करना है। आराम से मैं चॉपर में ही डालूंगी, ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा है तो वही यूज़ कर लूँगी उसके साथ, और थोड़ा टमाटो और जिंजर गार्लिक पेस्ट, सभी कुछ मैं कैसे करूँगी, क्या रेसिपी करूँगी, तो लेट्स स्टार्ट। हेलो, देखिए आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर पास्ता। मुझे पनीर बहुत पसंद है तो मैंने इतना पास्ता ली हूँ और गर्म पानी रखी हूँ वहाँ पे, टमाटर और ये ऑनियंस और जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिल्ली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा पेपर पाउडर, 2 ग्रीन चिल्लीज, तो इतना सारा सब कुछ लेना है। जैसे आप तड़के डालते हो ना, जैसे उपमा सभी के लिए, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से क्या चाहिए आप वो आप ऐड कर सकते हो। अभी मैं बॉईल करने के लिए रखी हूँ पास्ता, और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रखी है कि मैं तड़का डाल रही हूँ, 2 ग्रीन चिलीज मैंने लिया है। अभी ऑनियन टमाटर और ग्रीन चिलीज मैं अच्छे से फ्राई करूँगी, उसके साथ थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैं डालूँगी। और पास्ता बॉईल होने के लिए थोड़ा सा साल्ट डालना है और ऑयल डालना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट, मैं चेक कर रही हूँ पास्ता बॉईल हुआ है कि नहीं। ये बॉईल होने के बाद पानी को हम स्ट्रेन करेंगे, स्ट्रेन करते ही थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे कि वो थोड़ा सा खिले खिले हो जाए। देखिए यहाँ मैं दूध गरम करने के लिए रखी हूँ, तो अभी मुझे कॉफ़ी पीना है क्योंकि थोड़ा मुझे कोल्ड हुआ था। थोड़ा सा आज कॉफ़ी पीऊँगी तो अच्छा लगेगा शायद, वेदर भी उतना अच्छा नहीं है, बहुत ही कोल्ड वेदर है, जैसे फ्रिज में बैठे हो ऐसा लग रहा है। देखिए अभी ये पास्ता बॉईल हो चुका है, अभी मैं स्ट्रेन करूंगी। अभी मैं स्ट्रेन कर रही हूँ पास्ता को, और आपको ये फन फूड्स का जो पास्ता सॉस मिलता है और ये हर्ब्स मिलते हैं वो आप चाहे तो डाल सकते हो। मैंने रेड चिली सॉस भी लिया है, आपके पास अगर हर्ब्स नहीं है तो जैसे जितना आपके पास इंग्रेडिएंट्स है घर में जो रहता है उसी से ही आप अच्छे से बच्चों के लिए पास्ता बना सकते हो। देखिए ये मैंने पनीर लिया है 200 ग्राम। अभी आपको जितना चाहिए छोटे छोटे या काट सकते हो, इसको कट कर सकते हो या तो आप ग्रेट भी कर सकते हो, जैसे आपको जो जैसे आप लाइक करते हो। अभी मैं थोड़ा सा बड़े बड़े पीसेस करूँगी इसका कि खाने के साथ हम एक फोर्क के साथ हम इसको खा ले। मुझे बहुत पसंद है पनीर, एक्चुअली सभी को पनीर बहुत पसंद है। एक मैं टेस्ट भी कर रही हूँ, मैंने अपना हैंड वॉश भी कर लिया।
थोड़ा सा अभी मैं तड़के में जो पास्ते के लिए तड़के बना रही हूँ ना उसमें लिए साल्ट, उसके लिए साल्ट ऐड किया। और ये पास्ता सॉस रहता है, आपको बाहर भी मिलता है या तो आप घर में भी बना सकते हो। टमाटोज और जिंजर गार्लिक पेस्ट वो सभी डाल के, और मैंने रेड रेड चिल्ली सॉस भी डाला है अभी, और थोड़ा सा चिल्ली पाउडर भी डालना होगा आपको। हर्ब्स आपके पास हो तो डाल सकते हो या तो स्किप कर सकते हो। मैं अभी हर्ब्स डाल रही हूँ। थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करना है इन सभी को। पास्ता मसाला था मेरे पास, पैकेट्स थे पास्ता मसाले के, तो वो भी वेस्ट ना हो जाए कहीं यहाँ वहाँ, तो इसलिए मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। आपके घर में पास्ता मसाला हो तो आप डाल सकते हो, या तो चिल्ली पाउडर, गरम मसाला काफ़ी है। अभी मैं गरम मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा चिल्ली पाउडर डाल रही हूँ। मैंने स्ट्रेन करके अभी पास्ता को भी रख लिया है, तो अच्छे से मिक्स करूंगी एक बार सभी चीज़ों को। थोड़ा सा दूध डालना है इसमें, पानी नहीं, दूध डालना है, तभी ग्रेवी अच्छे से बनेगी। देखिए ग्रेवी ऐसे बनकर ग्रेवी रेडी हो गया है। पनीर को जैसे बहुत ज़्यादा उस पर प्रेस नहीं करना है, नहीं तो वो टूट जाएगा। आराम से धीरे धीरे मिक्स करना है। अभी मैं जो बॉईल करके पास्ता रखी थी उसको मैं मिक्स कर रही हूँ। मेरा कॉफ़ी भी मुझे अभी पीना है, मैंने दूध गर्म कर लिया है। बहुत ही टेस्टी यमी ये पास्ता होगा, आप बच्चों को घर में एक बार बनाकर, गर्मा गर्म खाना है इसको। ठंडे होने के बाद उतना मतलब टेस्ट नहीं होता, ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। और मैंने पनीर डाला है और भी मतलब हेल्दी है, और थोड़ा चीज़, मोजरेला चीज़ भी मैंने डाला है। अभी मैं टेरेस में आ गई हूँ, मेरा पास्ता बनकर रेडी हो चुका है। तो मैं अभी यहाँ बाहर का मौसम देखिए, वेदर बहुत ही कोल्ड है, बारिश भी ड्रिजलिंग हो रहा है, तो मैंने सोचा कॉफ़ी पीने का टाइम हो गया है, अभी मैं थोड़ा सा कॉफ़ी पीऊँगी। नेचर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना भी बहुत ही कुछ पॉजिटिव वाइब्स आपके आसपास रहेंगे। थोड़ा जैसे मेडिटेशन करना है पीसफुली, थोड़ा मी टाइम भी स्पेंड करना है, तो इसीलिए मैंने अपना कॉफ़ी टेरेस पर लाई हूँ। बहुत ही हवा है, कोल्ड वेदर है, इसलिए मैंने दुपट्टा ओढ़ लिया है, क्योंकि अगर कोल्ड ज़्यादा हुआ तो मेरा सर दर्द भी हो सकता है, इसीलिए मैंने ये दुपट्टा ओढ़ लिया है। और मैंने यस्टरडे इवनिंग हेड बाथ भी, ऑयल हेड बाथ मैंने लिया था। रखा है, और मैं हमेशा स्टील का ही मैं लंच बॉक्स यूज़ करती हूँ। कितना भी ब्रांडेड आप प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक ऑलवेज उसमें आपका हेल्थ के लिए भी टॉक्सिन्स हो जाएंगे। गरम खाना प्लास्टिक में डालने से हेल्थ उतना अच्छा नहीं रहता। और देखिए मैं हमेशा स्टील बॉक्स में ही टिफ़िन पैक करती हूँ, लंच बॉक्स टिफ़िन। मैंने दो दो मैंने टिफ़िन बॉक्सेस रखा है, जैसे कि इसमें ही एक फर्स्ट ब्रेक होगा और एक लंच पैक, जैसे चपाती, सब्जी, राइस, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसे।
इसमें भी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर है और इसमें भी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर है। तो ये मैं प्लास्टिक का उतना यूज़ नहीं करती, और जो भी आपके घर में अगर बच्चे हो, स्कूल जा रहे हो, तो उनके लिए भी आप जितना हो सके स्टील का ही टिफ़िन बॉक्सेस यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा, जितना हो सके स्टील का ही। क्योंकि पहले ज़माने तो हमारे मम्मी हमारे दादी के ज़माने में तो प्लास्टिक नहीं था, आपको भी ये जानते हैं, और इस प्लास्टिक की वजह से ही कितना सब कुछ प्रॉब्लम हो रही है अभी। आप ये एनवायरनमेंट के लिए वो भी आपको मालूम है कि खाने के लिए जब हम गरम खाना टिफ़िन बॉक्स प्लास्टिक का है, गरम सांभर राइस या कुछ भी गर्मा गर्म हम डाल देते हैं, तो जब सुबह गर्मा गर्म बनता है तो टिफ़िन बॉक्स में डायरेक्ट ही डाल देते हैं, तो प्लास्टिक का जो रहता है वो उतना वो उसका कुछ ना कुछ ऐसा रहता है ना कि वो अच्छा नहीं है। लेकिन जो स्टील रहता है, स्टील का जो भी टिफ़िन बॉक्सेस रहते हैं उसमें आपको कुछ भी हेल्थ के लिए इश्यूज या हेल्थ कुछ ये नहीं होगा। तो आप भी यही यूज़ कीजिए, कितना भी ब्रांडेड का कितना भी कॉस्टली प्लास्टिक हो, प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही रहेगा। आप अगर चाहे तो सेलो का हॉट बॉक्स जो रहता है, मिल्टन का सेलो का हॉट बॉक्स, बाहर थर्माकोल का ये रहता है और अंदर स्टील के बॉक्सेस होते हैं, स्टील का ऐसा फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर वो रहता है, आप वो भी ले सकते हो। मेरे पास वो भी है लेकिन वो बहुत थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, देखने में बहुत ही बड़ा दिखेगा उतना, इसीलिए मैं वो मैंने ऊपर रख दिया है, मैंने वो भी लेकर रखी हूँ। मेरे पास सारे बहुत सारे स्टील के टिफ़िन बॉक्सेस बहुत है, मैंने रखा है कि मुझे चाहिए ही होता है। हॉट बॉक्स भी है, मिल्टन का है, सेलो का है, टिफ़िन कैरियर्स उसमें स्टील का ही रहता है आपको, तो मैं भी पैक करूँगी। ठीक है, देखिए आज मेरा लंच और ब्रेकफास्ट पनीर पास्ता और मैंने थोड़ा सा पोहा भी बना लिया। एक बॉक्स मेरी कुलीग के लिए है और दूसरा बॉक्स मेरे लिए है, हम शेयर करके खाएंगे। तो आज सैटरडे है ना, अच्छा भी रहेगा कुछ। ये है मेरी दोनों टिफ़िन बॉक्सेस, ट्विन सिस्टर्स है दोनों।